66 वर्षीय सिंगर अनुराधा पौडवाल की हम बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट में। अनुराधा इस साल अपने बेटे के जन्मदिन पर किस तरह रोई होंगी आपको इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि साल 2017 की बात है। साल 2017 में अनुराधा पौडवाल ने 17 सितंबर की तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने प्यारे बेटे आदित्य पौडवाल को जन्मदिन की बधाइयां दी थी। ठीक 3 साल बाद साल 2020 में उनके बेटे अब उनके साथ नहीं हैं। अनुराधा पौडवाल के उस ट्वीट को सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हुए देखा जा रहा है। अनुराधा पौडवाल जी के बेटे बॉलीवुड की म्यूजिक डायरेक्टर आदित्य पौडवाल को जन्मदिन की बधाइयां तब मिली थी। इस साल ये तकलीफ दे, इस साल 12 सितंबर को इसी पोस्ट पर लोगों ने जवाब देते हुए कहा, बहुत ज़्यादा ताकत मिले अनुराधा पौडवाल को इस जंग से लड़ने की, क्योंकि अपने टैलेंटेड बेटे को उन्होंने खो दिया है और ऐसी मुश्किल घड़ी का सामना करना आसान नहीं होता है। आदित्य पौडवाल के गुजरने के बाद अनुराधा पौडवाल की तस्वीर वायरल हुई है कुछ, जिसमें वो काफ़ी इमोशनल, चेहरे पर मुस्कान लाई नजर आई है। लेकिन शायद ही आपको मालूम हो, अनुराधा पौडवाल जो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार देती थी, बेटे के चले जाने के बाद इस वक्त अनुराधा पूरी तरह से टूट गई हैं। कई महीनों से वो सोशल मीडिया से दूर हैं, ट्विटर से दूर हैं। आज वो अनुराधा अपने बेटे से भी दूर हो चुकी हैं। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छाया हुआ है। आज उस अनुराधा के ट्वीट की हम बात कर रहे हैं, जो ट्वीट आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। ये ट्वीट काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है, क्योंकि आज जन्मदिन के बाद अनुराधा अपने बेटे के जन्मदिन पर कितना रोई होंगी इसके बारे में हर किसी के बीच चर्चा है। क्योंकि कभी अपने बेटे को खूब प्यार देती थी, खुशियां मनाती थी उनके जन्मदिन पर अनुराधा, लेकिन इस साल जन्मदिन पर अपने बेटे को ही खो देने वाली अनुराधा के लिए आंखों में आंसू और उम्मीदें टूटने के बाद गम को ढोने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन अनुराधा की बेटी कविता है जो अपनी मां को संभाल रही है। उम्मीद की जा रही है कि अनुराधा इस गम से बाहर निकल सके। वैसे तो पूरी उम्र लग जाएगी बेटे को खोने के गम से उभरने में, लेकिन फिर भी हम अनुराधा के लिए उनके चाहने वाले दुआ कर रहे हैं कि कैसे भी अनुराधा इस गम से उभर सके। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से कृतिक रिपोर्ट।